हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर एक अपनी रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसका नाम है दाल चावल ढोकला। दाल चावल ढोकला यानी कि मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल ली है और आधा कटोरी मैंने मूंग दाल ली है और उसको 4 से 5 घंटे के लिए सोख करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन चिली ली है, दही लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चावल लिए हैं जिसको मैंने भिगा कर रखा हुआ है। और ये है मेरे पास नारियल के लच्छे जिसमें जाएगा चीनी और हल्दी और 1 पिंच के करीब हींग। तो ये सब मैं जल्दी से बनाऊंगी, झटपट से। तो मैं ये सारा कुछ मिक्सी के साथ ही, मतलब यानी कि ग्राइंड करके ही मैं इसका पेस्ट बनाकर ही पूरी तैयारी करूंगी और इसको ढोकला बनाकर रेडी करूंगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट बनने का समय है और 5 मिनट इसकी तैयारी करने का समय है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें लेनी है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के बाद मैंने जो दाल सो करके रखी है, अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं भिगानी है कि 7-8 घंटे भिगा कर रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि दाल खट्टी होने की, मूंग दाल जो है जल्दी फर्मेंट होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा देर तक उसे नहीं भिगाना है। चावल का जो पानी है उसे निकाल देंगे और इस चावल को इसमें डाल देंगे। बहुत जल्दी से ये रेसिपी तैयार होती है। अब इसमें हमें क्या डालना है, चीनी और हल्दी। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने चीनी ली है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 पिंच मैंने ली है हींग। अब हींग लेने के बाद हमारे पास जो नारियल का लच्छा है उसका हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बाकी हमें इसमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। और दही अभी नहीं डालेंगे, दही डालेंगे बाद में। और इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक। तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छा सा एक पेस्ट बनाकर तैयार करती हूँ। तो देखिए अभी इसका मैंने ये बैटर, इसका पेस्ट बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये काफ़ी ठीक है। तो इसमें हम 1/4 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इनो के साथ बनाएंगे तो ये बैटर ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर मेरे ये बैटर इस तरह का रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएगी दही की बारी। तो दही डालने के बाद फिर हम इसको दोबारा चलाएंगे। आप देख सकते हैं अभी भी इतना ठीक है। अब इसमें हमें पानी के यूज़ नहीं करना है, मिक्सी में इसी तरह से हम फिर फेंटेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो बैटर है वो फ्लफी हो चुका है। अब इसमें हमें डायरेक्ट इनो के साथ बनाना है, तो एक तरफ हम कुकर में पानी रख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें इनो डालेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे जरा सा रिफाइंड ऑयल यानी कि 1 टीस्पून। और अब इसमें हम डालेंगे इनो और इसको सिर्फ एक ही बार चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसे मोल्ड में रखेंगे। तो मेरा पानी उधर से कुकर में गर्म हो चुका है, लगभग मैंने सिर्फ 1/2 ग्लास के करीब उसमें कुकर में पानी डाला था और ये मैंने मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हमें बैटर जो डालना है वो थोड़ा ही डालना है क्योंकि ये ऊपर तक फूलेगा, इससे ज़्यादा हम बैटर नहीं डालेंगे। ये देखिए, और इसको इस तरह से टैप कर ले ताकि इसमें कोई एयर ना रह जाए। और मैं इसे अब कुकर में रखती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें 1/2 ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है, पानी में बॉयल आ चुका है क्योंकि कुकर को प्री हीट करना भी ज़रूरी है और पानी बॉयल करना भी ज़रूरी है। और अब इसके ऊपर हम मैंने एक जाली लगाई हुई है, स्टैंड है, और इसको हम इस तरह से रख देंगे कुकर में और 5 मिनट के लिए इसको बनने देंगे, क्योंकि इडली की तरह इसको भी 5 मिनट लगते हैं। और इसका ढक्कन और इसके ऊपर से जो हमारी सीटी थी कुकर की उसे निकाल देनी है और इसे बनने देना है लगभग 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे अगर हमारा चाकू नहीं चिपक रहा है। ये देखिए कहीं से भी नहीं चिपका हुआ है। तो ये हमारा दाल का ढोकला बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं क्योंकि इस तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ राई, कड़ी प्लीव्स और ग्रीन चिली और नारियल का लच्छा। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब राई ली है, कड़ी लीव्स लिए हैं मैंने कम से कम 15-20,
और बस इसको हल्का सा ही चला के और बंद कर देना है। बस इतना ही हम इसको चलाएंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी साटरी यानी कि साइट्रिक एसिड और इसमें हम डालेंगे नारियल के लच्छे। नारियल का लच्छा इसमें ज़रूरी होता है, ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ही इसमें फ्लेवर आता है। और ये मेरी 25 साल पुरानी ये रेसिपी है क्योंकि मैं इसे काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि कोई मीठा पानी वाला ढोकला खाना पसंद करता है, पर मुझे इसी तरह से ही ढोकला पसंद है। खूब सारा नारियल का लच्छा होता है और आप इस ट्रिक से इसको बनाएंगे तो आपको भी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके साथ यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ जो आपको पसंद आए। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये दाल कट ढोकला बनके तैयार हो चुका है। अब इसकी हम गार्निशिंग कर देंगे नारियल के लच्छे के साथ। ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, टेस्टी है, और जब आप इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो इसकी बात ही कुछ अलग होगी। और एक पीस हम इसको काट कर भी दिखा दें। केक की तरह ही काटते हैं, ये देखिए आप इसमें जाली देख सकते हैं। कौन कहता है कि इसमें पानी से ही ढोकला हमारा फूलेगा, और कितना स्पंजी है अंदर से देखिए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो ऐसी ही रेसिपी में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसी तरीके से आप मूंग दाल का हरी मूंग से भी ढोकला बना सकते हैं, और मसूर दाल से भी ढोकला बनाया जाता है। तो मैंने तो दो तीन तरीके से इसको ट्राई किया है, तो मुझे तो रेसिपी सारी अच्छी लगी है। और आप इसका लुक भी देख सकते हैं पास से कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।